देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या दी और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इसमें 4/5 भाग पानी भरा है, इसके वॉल्यूम का 4/5 पार्ट है वो भरा हुआ है, फिल है पूरा पानी से, ठीक है। अब इसने बोला कि पानी की पूरी मात्रा है वो ट्रांसफर करनी है हमें, जिसकी एक क्यूबिकल टब है उसमें ट्रांसफर करनी है, और उसकी डायमेंशन हमें लेंथ दे रखी 44 और ब्रेथ दे रखी 36, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो, टब में पानी जब भरेगा तो उसकी ऊंचाई कितने तक जाएगी, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, दोनों का वॉल्यूम है वो इक्वल करना है। वॉल्यूम क्या होगा बेलनाकार बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्यू, जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा अपना। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी, क्वेश्चन में लिखा है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना लेना है हमें, आर 10.5, 10.5 को मैंने लिख दिया 21/2, मल्टीप्लाई बाय 21/2, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितनी है मेरी 30 सेंटीमीटर है, ये हो गया 30। बट इतना पूरा वॉल्यूम भरा हुआ नहीं है, भरा कितना है इसका 4/5 ही भरा है, इसका 4/5 कर लिया, इक्वल टू किसके करना है एल इंटू बी इंटू एच, ये करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो काटा छाटी करो पहले, तो ठीक है पहले हम काटा छाटी करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 22 का डबल होता है 44, ये दो टाइम कस के कट गया, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, और ये 2 से 36 कट गया 18 टाइम्स, मतलब इधर केवल 18 बचा है, 18 इंटू एच। तो एच को मैं अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, एच इक्वल टू मैं लिखूंगा 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई, और क्या हो रहा है मेरा इधर 30/5, ठीक है। अब और डिवाइड में इधर क्या आएगा, इधर से 1/18 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम काटना शुरू करते हैं, 5 से काटेंगे तो 6 बार कटा, ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 3 बार कट गया यहाँ पे, और 3 × 7 = 21 होता है, ये 21 से कट गया, बचा क्या मेरे पास 21/4 ही बचा है, ठीक है, बचा क्या 21/4, और जो क्या होता है 5 से ही 1/4, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आपको मेंसुरेशन की कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि आप पहले सिंप्लीफाई मत करो, पहले सारी चीजें लिख लो फिर छोटे छोटे नंबरों को काटना शुरू करो, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बड़े मल्टीप्लाई नहीं मिलेंगे तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन हमने बहुत ईजीली कर ली, ठीक है, आप अगर 44 × 36 करते और इस पूरे को सिंप्लीफाई करते और फिर डिवाइड करते तो वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है और आप डिवाइड कर भी नहीं पाते, ठीक